अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट एंड सेवरीज बाय शेफ सुमेरा। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम सब की, आप सब की फेवरेट एक चाइनीज़ रेसिपी बनने जा रही है, जो कि है यंग टंग की स्पेशल शेजवान फिश। हम सब दूर दूर से जाते हैं यंग टंग सिर्फ उस फिश को खाने। एंड यकीन करें, मैं कोई बड़ी बात नहीं करी, लेकिन आज अगर आपने मेरी रेसिपी से इस फिश को बनाया तो ये एग्जैक्टली वही रेसिपी है, अब बल्कि और ज़्यादा साफ सुथरी, बिल्कुल घर की बनी हुई। और देखें कितनी कम चीज़ों से बनती है। फ़िश को सिर्फ हमने दो दफ़ा कॉर्नफ्लावर में मिक्स करके फ्राई करना है ताकि वो अच्छी क्रिस्प हो जाए, और फिर उसकी एक सॉस बना के उसमें उसको स्टर फ्राई करना है। बहुत सिंपल रेसिपी है, बस एक ख्याल रखना है, अगर आपको बहुत अच्छा टेस्ट चाहिए, फ़िश नीड्स टू बी फ्रेश, ताज़ी मछली लेंगे, बेहतरीन ये रेसिपी बनेगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपनी फेवरेट रेसिपी ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई रेसिपी और ब्लॉग आपसे मिस ना हो। हमने यहाँ पर लिए हैं फिंगर्स, एक किलो फिंगर्स मैंने लिए हैं रेड स्नैपर के, ठीक है। रेड स्नैपर मछली मैंने ली है और इसको कहते हैं हीरा, उर्दू में हीरा मछली। तो ये देखें, इस तरह से आप फिंगर कटिंग में इसको काट। इसको अब हम मैरिनेट करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, सिर्फ हाफ टी स्पून, और कॉर्नफ्लावर यहाँ पर मेरे पास है 3/4 कप। इसको मैं डाइल्यूट करूंगी हाफ कप पानी के साथ, 3/4 कप कॉर्नफ्लावर विथ हाफ कप पानी। अच्छा, मछली का भी हिसाब मैं आपको बता दूं, एक किलो मछली के फिंगर्स के लिए मैंने लिया था 2.25 किलो का पीस, ठीक है। रेड स्नैपर का पूरा पीस फिश ली थी मैंने 2.25 किलो की, तो उसको काट के सारा सफाई करके जो उसके बिस्किट्स बने, सॉरी ये फिंगर्स बने बिस्किट, वो वाले बनते हैं स्क्वायर वाले। तो ये हमारे पास 1 किलो फिंगर बने, और 1 किलो में तकरीबन ये अबाउट 25 to 28 फिंगर्स बने। इसके साथ हम अपनी फिश को पूरा मैरिनेट करते हैं और फिर इसको हम फ्राई करेंगे तेज तेल में, गरम बिल्कुल, और ये मछली दो दफा फ्राई होती है, ठीक है। एक दफा फ्राई करके निकालेंगे, फिर इसको दोबारा तेज आंच पे रीफ्राई करेंगे। थोड़ी देर आप इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। अच्छा, सॉस जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे चिली ऑयल में। चिली ऑयल आप सब लोगों को मैंने सिखा दिया था, तो जिसने नहीं देखा है, हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। चिली ऑयल जो है वो मस्ट है आपकी चाइनीज़ की रेसिपीज़ के लिए। दो चीज़ें मस्ट होती हैं, एक चिली सॉस और एक चिली ऑयल, ये आपके पास रेडी हो और स्टॉक ऑफ कॉर्स, तीन चीज़ें। चलें अब आपसे मिलते हैं, तेल को बिल्कुल अच्छा गर्म करके और फिश के फिंगर्स को फ्राई करें। अच्छा, ये फिश को मैंने एक थाले में डालकर और मिक्स कर दिया था ताकि ये प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। और अब हम इसको करेंगे फ्राई। सिंगल लेयर में फ्राई होगी, ये कुछ भी नहीं इसमें डाला है, सिर्फ कॉर्नफ्लावर और नमक। अब यहाँ पर देखें हमारी फिश फ्राई हो रही है, तब तक हम अपने एक सॉस पैन में डालेंगे 1/2 कप चिली ऑयल। चिली ऑयल ये हमारे घर का बना हुआ है, ठीक है। 1/2 कप हमने चिली ऑयल डाल दिया। चिली ऑयल डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड जिंजर गार्लिक, उसको हल्का सा फ्राई करके फिर हम इसमें केचप डालेंगे, चॉप्ड जिंजर गार्लिक 1 टीस्पून। फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे केचप, सिरका और शुगर, दैट्स इट। ये हमारी बनेगी इससे शेजवान सॉस, जो हम कहाँ कहाँ से दूर दूर से जाते हैं यंग टंग खाने। अब ये आपको पता है कि फिश भी आपकी ज़बरदस्त फ्रेश है, हर चीज़ साफ़ सुथरी घर में बनेगी। बाहर आप जब फिश खाते हैं तो थोड़ा सा स्मेल वगैरह का, फ्रेशनेस का इशू होता है, टमी अपसेट हो जाता है। घर में बनाएं, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी।
ये जब फ्राई हो जाएगा हल्का सा गोल्डन, तो इसमें मैं ऐड करूंगी सिरका 2 टेबलस्पून, चीनी 4 टेबलस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून, चीनी 4 टेबलस्पून, और यहाँ पर मेरे पास है केचप। केचप हम ऐड करेंगे 3/4 कप, ये 1 कप तकरीबन है, मैं 3/4 कप। और बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है इसको, तो आप 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर पेस्ट इस तरह बनाकर और इसको हल्का सा आप थिक कर सकते हैं। एंड फिश भी, ये आपको पता है कि ये हल्की सी, बिल्कुल आप समझे एक डिश में इसमें 4 टेबलस्पून जितनी ग्रेवी होती है, बिल्कुल ड्राई नहीं होती। ये देखेंगे एक फ्राई हो गया है। अब तेल और थोड़ा सा मैं गरम करूंगी बिल्कुल तेज, और फिर हम करेंगे इसको दोबारा से रीफ्राई। अच्छा, आप इसको इस तरह रख के बनाकर छोड़ भी सकते हो, और जब सर्व करने का टाइम आया इसी तरह से आपने तेज तेल में इसको बिल्कुल खोलते हुए तेल में वापस डाला। ठीक है, 5 मिनट हो गए थे और मैंने दोबारा से अपनी सारी फिश को इसमें डाल दिया है। अब इसको इतना हम फ्राई करेंगे कि बहुत अच्छी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए, खूबसूरत ब्राउन। इस वक्त आप, अच्छा, फिश को भी जब आप फ्राई करें प्लीज़ मेक श्योर कि चम्मच चम्मच ना हिलाएं, सारा इसका कॉर्नफ्लावर निकल जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं रहेगी। ये देख रहे हैं आप कितनी क्रिस्प है, ये देखें, ये देखें, ये हमारी फिश लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ, देखें क्रिस्पी कितनी है ये, यही क्रिस्पीनेस के लिए हम जाते हैं ना यंगटा। ये देखें, ये एक बैच था, दूसरा बैच हम इसको सर्व करके फिर फ्राई करें। ये देखें, दूसरा हमने डाल दिया फिश का बैच, ये देखें। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये इसकी क्रिस्पीनेस क्या है और डबल फ्राई क्यों करते हैं। ये देखें, ये इसलिए इसको डबल फ्राई करते हैं, ठीक है। अब ये आधा मैं इसमें डालूंगी, बिकॉज आधा हमारा दूसरे बैच के लिए, और मैंने इसको कॉर्नफ्लावर से थिक बिल्कुल नहीं किया है। आपका दिल चाहे आप कर सकते। फ्रेश धनिया, फ्रेश पार्सले, जिस तरह आपका दिल चाहे आप इसको सर्व कर सकते। बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स करें ताकि सारे फिश के पीसेस इसमें कोट हो जाएं और आप इसको सर्व करें। मिलते हैं आपसे यंग टंकी शेजवान फिश की सर्विंग पर। जी ये देखें, यहाँ पर हमारी यंग टंग स्टाइल की शेजवान फिश बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जो कि देखने में आप खुद लग रहा होगा कि बिल्कुल यंग टंग जैसी है। आप अभी इसको बनाएं एंड आई एम श्योर आप मुझे यही बताएंगे कि ये बिल्कुल यंग टंग की ही तरह है। फौरन से ट्राई कर लीजिए। मुझे इस रेसिपी का तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और नई चाइनीज़ सीरीज़ की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।